तो आप लोग कहते हैं कि क्या खाने में बनाता हूँ, बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि खाने में क्या बनाते हैं। तो देख सकते हैं, ये अभी थोड़ा सा भिंडी और आलू और यहाँ पे प्याज और मिर्ची और लहसुन और तेल गरम हो रहा है कढ़ाई में। तो अभी शाम का वक्त है, ड्यूटी फिर 6 बजे से स्टार्ट हो जाती है, तो अभी बज रहा है 4:30 के आसपास। तो अभी 1.5 घंटा है, तब तक ये बन जाता है। और फटाफट आटे लगा के 4 रोटियां सेक के तो खाना तैयार हो जाता है। तो बहुत तरीके से यार, तो खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। तो अगर टाइम से ना करे जाए तो फिर भूखा रहना पड़ता है। तो नाइट ड्यूटी में सुबह में थोड़ा बहुत खाना बन जाता है 10 बजे के आसपास, दाल चावल। तो अभी थोड़ा सा भिंडी की सब्जी बना रहा हूँ। मैंने दिखाया था आप लोग को कि सब्जी मैं कहाँ से तोड़ता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं रोज़ वहीं से तोड़ता हूँ, मार्केट से भी लाता हूँ। तो अभी खाना बना रहा हूँ और अभी आटा भी नहीं गूंदा हुआ है, और 10-15 मिनट में सब्जी बन जाएगी और वहाँ मैं फिर आटा गूंद लूँगा और फटाफट रोटियाँ बन जाएंगी। तो यही सब खाना होता है। आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर क्या खाना बनाते हैं, तो यही सब है और मैंने सोचा आप लोग को थोड़ा सा दिखा दूँ। तो इस तरीके की ग्रुप डी की लाइफ है। तो हाँ, कभी एक फुल वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए जिसमें सब कुछ दिखाऊँगा इसमें कि कैसे तैयारी करता हूँ दिन भर में। तो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा एक छोटा सा ट्रेलर टाइप का ये है खाने का। तो अभी कमरे की हालत बहुत गंदी हो रही है क्योंकि आज बारिश का दिन था, तो बारिश में फिर और ही गंदा दिखता है कमरा, क्योंकि पानी कीचड़ वीचड़ नीचे बाहर सब पत्ते वत्ते भी गिरे हैं, क्योंकि पेड़ बहुत है आसपास, इस वजह से पत्ते सारे इधर ही गिरते हैं। तो ये सब था। तो कभी फुल वीडियो आपको कल शायद आप लोग को दिखाऊंगा मैं फुल वीडियो कमरे की। तो दिन में थोड़ा सा धूप का मौसम रहेगा, साफ़ सफाई रहेगी तो दिखाऊंगा, अभी तो फिलहाल देखने लायक नहीं हो रहा है। तो अभी फटाफट खाना बना लेता हूँ, तेल भी गर्म हो गया है। तो फटाफट इसमें नॉर्मली खाना बनता है, ऐसा कोई ज़्यादा स्वादिष्ट है ऐसा चटपटा नहीं बनता है, लेकिन जो भी बनता है उसको बना के फटाफट अपना पैक करके, इतना सोचने का टाइम भी नहीं है कि खाना क्या बने क्या नहीं बने, तो फटाफट पैक करके लेके जाएंगे। तो मिलते हैं आप लोग से इसके नेक्स्ट वीडियो में।